Welcome to the world of GK, GK Sansar. अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी न्यूज आया है न्यूज़पेपर के द्वारा, उसमें बताया गया है कि जो अभी TET जो कि 23 जुलाई 2017 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसका रिजल्ट जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है, न्यूज़पेपर में क्या आया है और जो हमारे BSEB के जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरपर्सन हैं उन्होंने क्या बोला है, उसके बारे में हम पूरा इस न्यूज में पढ़ेंगे। तो ये जागरण पेपर में निकाला है, लिखा है बिहार प्रारंभिक शिक्षक यानी कि ट्रेंड जो है प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 का रिजल्ट अगस्त अंतिम सप्ताह में बोर्ड जारी करेगा। सभी परीक्षा केंद्रों से बोर्ड के स्ट्रांग रूम में आंसर सीट पहुंच चुकी है। जो आंसर सीट है वो सभी स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के अध्यक्ष जो है आनंद किशोर ने बताया कि रिजल्ट प्रकाशन को लेकर तिथि अभी सुनिश्चित नहीं की गई है। मूल्यांकन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित होने के कारण ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस बार जो हो रहा है वो बार कोड के वजह से कंप्यूटराइज सारा कुछ मूल्यांकन होगा, इस वजह से ज़्यादा टाइम लगने की संभावना नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें पास करने के लिए कम से कम 60% नंबर लाना होगा। TET में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य कैटेगरी परीक्षार्थी को कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे। जो जनरल के होंगे उन्हें 60% अंक लाने होंगे। पेपर 1 और 2 में 150-150 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। इसके आधार पर सामान्य श्रेणी के छात्रों को मेगा सूची में शामिल होने के लिए कम से कम 90 अंक प्राप्त करने होंगे। जनरल कैटेगरी को जो स्टूडेंट होंगे उन्हें 90 अंक लाना होगा, 90 मार्क्स लाना होगा। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग और महिला तथा दिव्यांग अभ्यर्थी जो होंगे उन्हें 83 अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 75 अंक हासिल करने हैं। पेपर 1 और 2 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दोनों पेपर में अलग अलग उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थी यदि एक पेपर में निर्धारित अंक प्राप्त करते हैं और दूसरे पेपर में उन्हें कम अंक प्राप्त होता है तो वह एक ही पेपर में उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। और TET ने इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो किया था कि इस बार जो उपस्थिति हुई थी, अटेंडेंस जो बना था वो बायोमेट्रिक हुई थी। और अगर भविष्य में कभी किसी परीक्षार्थी फर्जीवाड़ा का आरोप लगता है तो उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी से उपस्थिति का राज मालूम चलेगा, यानी अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन पर डाउट होता है तो उनकी बायोमेट्रिक उस समय ली जाएगी, तो पकड़े जाएंगे कि एग्ज़ाम में इन्होंने बैठा था या नहीं बैठा था। ठीक है, और जो एक बार फिर मैं बता दूँ जो कट ऑफ है वो तो मैं बताया ही, लेकिन फिर से बता देता हूँ। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक, BC, EBC, महिला और दिव्यांग के लिए 83 अंक, SC और ST के लिए 75 अंक लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सभी के रिजल्ट अच्छे आएंगे और आप एक अच्छे टीचर बनकर देश के भविष्य में एक कड़ी जरूर जोड़ेंगे। चलिए, यही आपको बताना था। धन्यवाद।